Hi everyone this is Swati your English educator from Magnet Brains and today we are going to start a very interesting topic but very important just say English mein bahut sari mistakes khatam ho jayenge. because see you know what what's the time by, watch, by your watch what is the time by your watch now you'll tell me ma'am it is somewhere around let's say 10 or 11 and then I'll ask you hey what's your step come on be careful watch your step Now, will you tell me the time or you will look at your step? So, the thing is, there are words. बहुत सारे words ऐसे होते हैं English में ठीक है English is a funny language. We all know this. So, there are a lot of words जो कभी sound same करते हैं और meaning different होते हैं कभी sound sound तो same करते हैं लेकिन spelling जो होती है वो अलग होती है लेकिन meaning different होता है उससे क्या होता है जब हम लोग एग्जाम्स में या जब हम लोग कोई भी राइटिंग पार्ट करते हैं तो जब हम उसे लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं क्यों क्योंकि ये जो होती है ना ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होते हैं डोंट वरी इट्स नॉट कि आप ही ऐसे मिस्टेक्स करते हो बड़े बड़े लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं वाई बिकॉज द वर्ड दैट दे आर से उनको जो लग रहा है वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है लेकिन जब वो लिख रहे हैं हो सकता है वो गलत है जो प्रनाउंस कर रहे हो सकता है वो गलत है या हो सकता है सेम ही वर्ड है लेकिन यूसेज गलत है सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद होमोनम्स टुडे होमोनम्स नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल बट बिफोर दैट वील अंडरस्टैंड कि हम इसमें पढ़ने क्या-क्या वाले एंड बिफोर आई स्टार्ट आई आल्सो हैव सर्टेन एग्जांपल्स फॉर यू आई आस्क यू टू गेट मी माय ग्लासेस अब इस बंदी ने इससे क्या बोला मेरे लिए मेरे ग्लासेस लेके आ जाओ और वो क्या लेके आया वो ग्लासेस लाया मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं she was asking for her spectacles, मतलब ग्लासेस ग्लासेस और वो लेके आया क्या क्या हो हो रहा रहा है है इस पिक्चर में उसने बोला वुड यू लाइक टू पो मी कप मतलब क्या तो मुझे मतलब यू नो सपोज ड्रिंकिंग कॉफी और सपोज ड्रिंकिंग टी और सपोज से कोका कोला तो उसने क्या बोला कि वुड यू लाइक टू पो मी अ कप मतलब क्या मुझे आप मुझे भी एक कप दो के पोर मी अ कप पोर मतलब होता है डालना कोई भी लिक्विड को डालना और इसने क्या बोला आई हैव ऑयली पोर्स विच गिव्स मी स्पॉट्स तो आपके जो फेस होता है फेस में और आपकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गड्ढे होते हैं तो जब आपकी स्किन बहुत ऑयली होती है या यू you नो know, बहुत

The next thing is here, knight and knight. A knight in the shining armor. मतलब रात की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about a person who will save you from all the miseries. ठीक है? Now these words, they all, okay, कुछ ऐसे words हैं जो sound same कर रहे हैं. Sound तो सभी same कर रहे हैं, more or less. लेकिन कुछ की spellings same हैं और कुछ की spellings different हैं. So ये तो कुछ examples हमने ये देखे कि ये words, ये गंदे गंदे वर्ड्स हमें किस तरीके से कंफ्यूज करते हैं तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि ये होमोनिम्स किस चिड़िया का नाम है ठीक है एंड देन आर द टाइप्स ऑफ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स देन वी विल अंडरस्टैंड सम होमोग्राफ्सटैंडोड बाई ऑफ एक्सरसाइजेस ठीक है नाउ लेट स्टार्ट विथ होमोनिम्स भाई ये होमोनिम्स होता क्या है अब इसमें क्या है ना दिस इज लाइक द इजिएस्ट फॉर यू तो हमें लगेगा होमोनिम्स, होमोफोन्स होमोग्राफ्स ये सब इतने सारे हैं होमो होमो का क्या मतलब होता है होमो का मतलब होता है सेम तो तुम्हारा जो ये वर्ड है जैसे होमोनिम है तो ये होमो का मतलब क्या होता है सेम एंड निम जो होता है ये जो सफिक्स उसमें निम लगाया गया है इसका मतलब होता है नेम ठीक है होमो सेम नेम Understood same name. मतलब जो words जो होते हैं या तो उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है मतलब या तो उनकी स्पेलिंग सेम होती है या तो वो साउंड सेम करते हैं क्या जो साउंड सेम करते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग हो सकते हैं ठीक है दे ईदर साउंड द सेम और सेम बट आर डिफरेंट सो इन शॉर्ट हम क्या कैसे क्या कह सकते हैं होनोम होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो या तो साउंड सेम करते हैं या उनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग हमेशा डिफरेंट होता है आवी क्लियर बदस चलिए हम क्या करने वाले हैं अब हाँ? अब हम समझने वाले हैं ये होमोनिम्स कितने टाइप्स के होते हैं ओके आरवी क्लियर अभी यहाँ तक कि होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि या तो सेम साउंड करते हैं या तो उनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग्स हमेशा डिफरेंट होते हैं इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि होमोनिम के टाइप्स क्या होते हैं होमोनिम्स, सेम नेम्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं होमोफोन होमो का मतलब क्या होता है सेम और फोन जो है इस वर्ड का मतलब होता है साउंड हम फोन पे बात करते हैं वहां पे साउंड आता है ना सो so, फोन का मतलब होता है साउंड इसका मतलब ये जो होमोफोन्स होते हैं इनका साउंड सेम होता है स्पेलिंग्स डिफरेंट हो सकती है लेकिन साउंड सेम होता है ओके okay? और दूसरा होता है होमोग्राफ अब ये जो वर्ड ग्राफ है इसका मतलब होता है राइट करना इसका मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेलिंग्स की सो so, होमोग्राफ का मतलब क्या होता है टू राइट इसका मतलब होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है और होमोग्राफ्स वो वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है ठीक है अब स्पेलिंग सेम है हो सकता है उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो साउंड या हो सकता है सेम भी हो लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है ठीक है जैसे मेल एम ए आई एल मतलब जैसे लेटर्स आते हैं आपके पास जो तो आपको कोई मेल आया है या मेल बॉक्स होता है उसका स्पेलिंग क्या होता है उसका साउंड क्या होता है मेल और स्पेलिंग क्या होता है एम ए आई एल लेकिन एक मैन है अगर तो आप बोलोगे मेल स्टैंडिंग देयर और ही इज अ मेल तो मेल की स्पेलिंग हो जाती है एम ई एम ए एल ई अब यहाँ पे एम ए आई एल और एम ए एल ई दोनों साउंड सेम कर रहे हैं होमोफोन्स की हम बात कर रहे हैं जिनका साउंड सेम है लेकिन जिनकी स्पेलिंग्स अलग हैं और जब हम बात करते हैं होमोग्राफ्स की तो यहाँ पे देखो एक है बो और एक है बो दोनों ही बो हैं यहाँ पे इन दोनों की स्पेलिंग सेम है एक लेकिन एरो कौन सा एक बो एन एरो है और एक है झुकने का मतलब तो दोनों का मतलब डिफरेंस है बो की स्पेलिंग दोनों जगह सेम है जैसे कि वॉच ठीक है वॉच योर स्टेप मतलब अपना कदम ध्यान से रखो देखो उसे वॉच करो और एक है द टाइम योर वॉच हियर आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्ट वॉच और यू नो एंड इट सिंपल अभी हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं सबसे पहले वी आर गोइंग तो टू स्टार्ट विद होमोग्राफ्स ठीक है होमोग्राफ्स अभी हमने पढ़ा था होमो का मतलब होता है सेम और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट राइटिंग की बात कर रहे हैं हम सो दे आर वर्ड्स व्हिच आर स्पेलड द सेम जिनकी स्पेलिंग सेम होती है वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स अब इसमें क्या होता है आपकी स्पेलिंग जो है वो हमेशा सेम होगी प्रनसिएशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता लेकिन स्पेलिंग हमेशा सेम होगी और मीनिंग डिफरेंट होगा तो अब इसमें ये तीन चीजें याद रखो बस ये तीन चीजें याद रखो होमोग्राफ सेम स्पेलिंग ठीक है सेम या डिफरेंट प्रनाउंसिएशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है और डिफरेंट मीनिंग्स आर वी क्लियर विद दिस होमोग्राफ्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें सेम स्पेलिंग होती है या तो प्रोनाउंसिएशन सेम होगा या तो नहीं होगा लेकिन मीनिंग हमेशा डिफरेंट होगा क्लियर अब हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि यहां पे क्या लिखा हुआ है क्वार्टर क्वार्टर अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं जैसे बोलते हैं ना पौने तीन हो रहा है या सवा दो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं क्वार्टर पास्ट जैसे मान लो अगर पौने बारह हो रहा है तो हम उसे कहेंगे इट इज Uh, like quarter to 12, मतलब मतलब 12 12 बजने में अभी हैं। तो ये जो वाला जो वाला होता है, है? इसको आप बोलते हो quarter. एक का चौथाई हिस्सा, ठीक so 12 मतलब मतलब quarter past मतलब बज के फिफ्टीन मिनट्स हो रहे पास्ट मतलब इतना हो चुका है तो क्वार्टर पास्ट ट्वेल्व मतलब बारह बज के कितना मिनट हो रहा है पंद्रह मिनट हो रहा है और दूसरे का क्वार्टर मतलब क्या होता है आई यूज अ क्वार्टर टू बाई ऑफ केक यहाँ हम इसको एक करेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एक तरीके से पैसे की बात कर रहे हैं तो मैंने एक क्वार्टर खर्च किया क्वार्टर मतलब क्या होता है पच्चीस पैसे अब जब हमारे इसमें तो क्वार्टर बहुत छोटा होता है वैल्यू बहुत कम है या मैं सोचो मैंने बोला कि मेरे पास सौ रुपए थे ठीक है आई स्पेंट अ क्वार्टर कहाँ पे जो क्वार्टर है जब आप की बात करते हो, तो वहां पर क्वार्टर क्या होता है like, जैसे हम रुपीज की बात कर रहे हैं ठीक है तो वहां पे क्वार्टर मतलब एक पर्टिकुलर जैसे पैसा हुआ फिफ्टी पैसा हुआ ट्वेंटी फाइव पैसा हुआ तो उनके हिसाब से वो एक करेंसी हो गई सो so, यहाँ दोनों का मतलब डिफरेंट है अब जैसे बैट और बैट ठीक चाहे चाहिए बेसबॉल का बैट है क्रिकेट बैट ये एक बेसबॉल का बैट है और ये चमकादड़ है तो बैट स्पेलिंग सेम है, भी सेम है लेकिन है। है, मतलब चिड़िया की एक चिड़िया की बात कर रही हूँ चिड़िया नहीं कहना चाहिए मुझे एक पक्षी कहना चाहिए बेसिकली इट्स हिज फर्स्ट टाइम एट बैट इन मेजर लीग्स मतलब क्या वो पहली बार बैटिंग करने जा रहा है एक और देख लेते हैं बार और बार सो शी वॉज सिटिंग एट अ बार अ बार एज अ प्लेस जहां आपके आपको जो है ईटेबल सर्व होते हैं अल्कोहल सर्व होती है तो शी वॉज सिटिंग एट अ बार अब बार यहाँ हम एक प्लेस की बात कर रहे हैं आई एट थ्री बार्स ऑफ चॉकलेट मैंने चॉकलेट के थ्री बार्स खाए यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ जो बार आता है पूरा का पूरा चॉकलेट का उसकी बात कर रही हूँ दोनों के स्पेलिंग सेम है दोनों का साउंड भी सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है अब यहाँ पे है आपके पास दो वर्ड्स एक है आपके पास डेजर्ट डेजर्ट और एक है डिजर्ट अब इसका प्रनाउंसियन डिफरेंट है इसको आप ये मत बोलना मैम इसका प्रनाउंसिएशन सेम है स्पेलिंग सेम है प्रसिएशन एक्सक्यूज मी प्रनाउंसिएशन डिफरेंट है इसको आप कहते हो डेजर्ट डेजर्ट और इसको आप कहते हो डिजर्ट डेजर्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे तो जैसे दब, जैसे यहाँ पे है इसको अपन लोग इसका एक और भी आता है जो आपका डेजर्ट उसमें स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती छोड़ो तो यहाँ पे डेजर्टेड मतलब क्या होता है डेजर्टेड मतलब खाली हो जाना यहाँ देखो स्पेलिंग सेम है एक मतलब रेगिस्तान और एक का मतलब होता है जैसे कि कोई भूतिया बंगला होता है तो वो डेजर्टेड होता है क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है या मान लो कोई एकदम एक एरिया है ठीक है कोई जंगल से एकदम डेजर्टेड एरिया था डेजर्टेड एरिया मतलब रेगिस्तान नहीं था वहां कोई नहीं था एकदम खाली एकदम सुनसान तो सुनसान को आप डेजर्टेड कहते हो ठीक है और एक डेजर्ट हम कहते हैं वो क्या होता है मिठाइयाँ ओके नेक्स्ट इज बैंक तो अब एक रिवर का बैंक होता है रिवर like का bank मतलब है? River क्या जो पूरा जो आपका बाउंड्रीज होते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में आप चले जाते हो और एक बैंक तो होता है आपका नॉर्मल बैंक जहां आप पैसे डिपॉजिट करते हो या फिर लेते हो देन नेक्स्ट इज लेफ्ट ठीक है एक लेफ्ट का मतलब होता है डायरेक्शन मतलब आप राइट ले लो और फिर एक लेफ्ट ले लो आपको आपका डेस्टिनेशन मिल जाएगा और एक लेफ्ट का मतलब होता है चले जाना फॉर एग्जाम्पल आई लेफ्ट द प्लेस और द ट्रेन लेफ्ट फॉर सिंगापुर और द प्लेन लेफ्ट फॉर जलास तो इस तरीके से एक लेफ्ट का मतलब होता है चले जाना और एक लेफ्ट जो होता है वो डायरेक्शन होता है अब आप इन सब वर्ड्स में अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या है सब जगह आपको दिखेगा स्पेलिंग सेम है ठीक है मोस्टली आपके प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन अभी ये तो बस हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स लिए हैं अभी तो हम बहुत सारे वर्ड्स देखने वाले हैं नेक्स्ट हम समझते हैं होमोफोन्स क्या होते हैं अब होमोफोन्स जैसा कि मैंने बताया था होमो मतलब सेम और फोन का मतलब होता है साउंड जिनका साउंड सेम है होमोफोन्स वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड्स बट मीनिंग्स और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है तो सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग्स और डिफरेंट स्पेलिंग्स इनकी स्पेलिंग सेम नहीं होगी तो इनका सिर्फ साउंड सेम होता है बाकी सब अलग होता है ठीक है होमोग्राफ में सेम स्पेलिंग में भी सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग होमोफोन में सिर्फ साउंड सेम होगा स्पेलिंग भी अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा ठीक है अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ये तीन वर्ड्स हैं इनका साउंड क्या है टू 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 साउंड सेम है लेकिन हर तीनों की स्पेलिंग डिफरेंट है एक टू का मतलब होता है किसी तरफ जाना जैसे कि आई एम गोइंग टू द मॉल मैं मॉल जा रहा हूँ मॉल मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है टी डब्ल्यू ओ मतलब दो टू और टी ओ ओ मतलब होता है भी मैं भी आऊंगा आई विल कम टू तो यहाँ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं शी वॉन्ट्स टू गो टू द मॉल शी वॉन्ट्स टू गो टू द मार्केट शी वॉन्ट्स टू गो टू द मूवी हॉल तो अब यहाँ पे टू का मतलब क्या है उस तरफ जाना चाहती है वो शी हैज टू चिल्ड्रन उसके दो बच्चे हैं शी वॉन्ट्स टू गो टू द मूवी टू वो भी मूवी जाना चाहती है अब आपने यहाँ क्या समझा तीनों का साउंड सेम है लेकिन तीनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट है और तीनों का मतलब भी डिफरेंट है एक और एग्जांपल देखते हैं Here and here, here. एक हेयर मतलब होता है सुनना I have heard something. I want to hear something. I want to hear some music. और दूसरा हेयर का मतलब होता है कम हेयर इधर आओ तो एक का मतलब होता है इधर और एक का मतलब होता है सुनना द चिल्ड्रन वॉन्ट्स तो आपका जो एच ई आर ई होता है एच ई आर ई मतलब होता है यहाँ इधर और एच ई ए आर का मतलब होता है सुनना द चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले Here in this room, बच्चों को यहाँ इस रूम में खेलना है दिल्ड्रेन कुड ह्योर द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द लिविंग बच्चे जो है वो मतलब जो यू you नो know, हर जगह से जो म्यूजिक आ रहा है वो उसको सुन पा रहे हैं वो उसको सुन रहे हैं समझ रहे हैं अब दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है ग्रेट और ग्रेट साउंड तो सेम करा एक आई एम अ ग्रेट पर्सन

महात्मा गांधी वॉज अ किसना वाला मैन तो हो गई ना मिस्टेक लेकिन बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे ग्रेट होते हैं जो ऐसे ग्रेट काम करते हैं ठीक है इसीलिए यहां पे जी आर ए टी का मतलब होता है जी आर ई ए टी का मतलब होता है महान डू नॉट मिस मेक एनी मिस्टेक ओके व्हाट अ ग्रेट मैन वाज ही अब व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज होना चाहिए सो व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क ठीक है ग्रेट द चीज बिफोर एडिंग इट टू द डिश मतलब जो तुम्हारे पास चीज है उसको डिश में ऐड करने के पहले उसे ग्रेट करो मतलब उसे कीस लो ठीक है जैसे आप पास्ता बना रहे हो अब पास्ता पूरा बन चुका है अब उसके ऊपर आपने डाला नूडल्स ऑफ चीज कैसे डाला ग्रेट करके ग्रेट करके नहीं ग्रेट करके ठीक है अब हम यहां पे समझ चुके हैं कि होमोनिम्स इसका मतलब वो वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है या जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग्स हमेशा अलग होते हैं ठीक है हम समझ गए होमोनोम सेम साउंड और सेम स्पेलिंग तो ये वो अम्ब्रेला है जिसके अंडर में अब हमारे पास आते हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ्स होमोफोन्स वो होते हैं जिनका साउंड सेम होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और होमोग्राफ्स वो हो सकते हैं जिनकी जिनका साउंड या तो सेम होगा या तो डिफरेंट होगा लेकिन स्पेलिंग हमेशा सेम होगी ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट लॉर्ड ऑफ एग्जाम्पल्स नाउ सो हम स्टार्ट करने वाले होमोग्राफ से सो वी हैव ऑलरेडी टू एग्जाम्पल्स लाइक आई वॉन्ट टू प्रेजेंट अ रिंग टू यू देर इज अंग आई होर्ड अ रिंग तो यू डोंट ह्योर दिस रिंग यू ह्योर दिस रिंग ठीक है अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे पहला होता है क्लोज अब ये जो क्लोज है इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं हम होमोग्राफ्स की बात कर रहे हैं ग्राफ्स का मतलब जिनका स्पेलिंग सेम हो अब यहां जो मैंने ये वर्ड लिखा है क्लोज इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं एक जिसमें लास्ट में ज आता है और एक जिसके लास्ट में क्लोज स आता है प्लीज अंडरस्टैंड एक होता है किसी चीज़ को बंद करना, उसमें आता है, डोर क्लोज द विंडो ठीक है तो यहां पे क्या हुआ जैसे टू मेक शट इसका मतलब होता है किसी चीज को बंद करना शी क्लोज द डोर केयरफुली शी क्लोज ज आएगा ठीक है शी क्लोज द डोर केयरफुली एक आता है क्लोज क्लोज सा आ रहा है साउंड इसका मतलब पास कम एंड सेट क्लोज टू मी कम एंड सेट क्लोज टू मी और माई मॉम इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट ठीक है सो बींग नियर बाय देर इज एन आइसक्रीम पार्लर क्लोज टू माई हाउस देर इज एन आइसक्रीम पार्लर

अब इसके भी दो प्रोनाशन होते हैं एक होता है लेड तो लेड होता है एक मेटल जैसे आपकी जो पेंसिल होती है पेंसिल के अंदर भी जो ग्रेफाइट होता है लाइक like, सो so, उसमें लेड होता है लेड आपके मैगी में भी था रिमेम्बर जिसकी वजह से मैगी बंद हो गया था सो so, लेड क्या होता है लेड एक हेवी मेटल होता है और लीड करना इसी को हम प्रोनास करते हैं लीड लीड का मतलब होता है कि आप जो हो अपनी टीम को लेके या कुछ लोगों के साथ आगे रह के उन्हें बताते हुए कि कहाँ जाना है कैसे करना है आप लीड कर रहे हो सबसे आगे चल रहे हो ठीक है सबसे पहला जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो साउंड करता है लेड डी जैसा साउंड करता है स्पेलिंग होती है लीड L e ए डी की ही स्पेलिंग होती है सो so, यहाँ पे इसके दो प्रोनाशियशन होते हैं जो पहला लेड होता है, इट्स अ टाइप ऑफ मेटल लेड कैन बी अ हार्मफुल मेटल, और दूसरा होता है लीड प्रोनौंसिएशन यहाँ लिखा हुआ है मैंने लीड का मतलब होता है टू स्टार्ट इन फ्रंट फॉर एग्जाम्पल देर इज दैट हैज मूव आउट द फर्स्ट वन लीड मतलब पहला वाला सबसे आगे जाएगा एंड अदर्स विल फॉलो हार्ड वर्क ऑलवेज लीड टू सक्सेस अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो यह हमेशा आपको कहाँ लीड करता है मतलब कहाँ लेके जाता है सक्सेस की तरफ लेके जाता है ठीक है नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ अ गुड अटोर्नी अब मतलब मैं तुमको पता दे सकता हूं एक का मतलब होता है पता एक का मतलब क्या होता है एड्रेस का पता तो यहां पे होता है एड्रेस क्या है ये एड्रेस ओके okay? तो आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ अ गुड अटॉर्नी मतलब मैं तुम्हें एक अच्छे लॉयर का पता दे सकता हूं और दूसरा होता है एड्रेस अब एड्रेस का मतलब क्या होता है द लेटर वाज एड्रेस्ड टू मी मतलब वो लेटर मुझे एड्रेस किया गया था मतलब मुझे लिखा गया था या सपोज आई विल से दैट नदीम जो मोदी इज गोइंग टू एड्रेस अ कॉन्फ्रेंस मतलब वो एक कॉन्फ्रेंस में जाके बोलने वाले हैं या नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू एड्रेस पीपल ऑफ इंडिया वो इंडिया के लोगों से बात करने वाले हैं जो उनकी मन की बात आती है ना तो वो एड्रेस कर रहे होते हैं सबको ओके एड्रेस एक होता है एड्रेस एक होता है एड्रेस ठीक है ओके नेक्स्ट वन बैक अब बैक मतलब मेरी पीठ को भी बैक कहेंगे मेरे पीछे भी बोलेंगे अपन बैक ही बोलेंगे सो so, या uh, yeah, मैं बोलूंगी मैं बस थोड़ी देर में वापस आई आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स मैं वापस आ जाऊंगी आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स दूसरा क्या है She was the one who had fired him from his first job back in South Africa. So वही थी जिसने उस आदमी को पहली बार fire किया था मतलब उसको जॉब से निकाल दिया गया था फायर किया था मतलब ये नहीं कि वो रॉकेट नीचे से आग लगाई और फायर करना मतलब किसी को जॉब से निकाल देना ठीक है फायर फ्रॉम फर्स्ट जॉब बैक इन साउथ अफ्रीका बैक मतलब अब यहां हम बात कर रहे हैं पास्ट की पास्ट की बात कर रहे हैं हम कि यू नो पहले जो है उसने साउथ अफ्रीका में ऐसा किया था Anna stood with her back to the window. Anna stood. Anna कैसे खड़ी थी कि उसका जो back था मतलब उसकी पीठ इसका मतलब उसका जो वो ऑपोजिट इस, मतलब मतलब इस तरीके से खड़ी हुई है तो यहाँ पे एक बैक का मतलब क्या होता है वापस ठीक है या पीछे की बात कर रहे हैं तो अब आपके एक ही वर्ड है जिसके तीन मीनिंग निकल गए फॉर एग्जाम्पल आई बी बैक या गिव इट टू मी बैक मतलब ये मुझे वापस करो एक हो गया वापस करना एक हो गया पीछे पास्ट की बात कर रहे हो और एक का मतलब हो गया है पीठ मतलब पीठ की आप बात कर रहे हो अपने बैक की बात कर रहे हो ठीक है नेक्स्ट अपने पास है बॉल अब यहाँ पे जो बॉल है बाउंस द बॉल एंड ट्राई एंड हिट इट ओवर द नेट अब मान लो बास्केटबॉल खेल रहे हो आपके पापा आपको सिखा रहे बास्केटबॉल खेलना तो आपने उन्होंने क्या बोला बाउंस द बॉल एंड उसको नेट पे डालो उसको रिंग में डालो ठीक है इतना गुस्सा आ रहा था बोल्ड इंटू फिस्ट मतलब आपने उनको एकदम जो है कर्ल कर लिया ठीक है नेक्स्ट बैंड बैंड का मतलब क्या होता है एक तो म्यूजिक बैंड हो सकता है एक रबर बैंड भी हो सकता है राइट right? द बैंड वॉज प्लेइंग ओल्ड बीटल सॉन्ग आपका जो म्यूजिकल बैंड आया था वो क्या बजा रहा था वो पुराने बीटल्स के सॉन्ग बजा रहा था या बी टी एस के सॉन्ग्स बजा रहा था सो एनी बी टी एस फैन वो हेयर या वो ब्लैक पिंक के गाने बजा रहा था जो भी बजा रहा था अरिजीत सॉन्ग अरिजीत सिंह के गाने बजा रहा था सो द बैंड वॉज प्लेइंग बीटल्स सॉन्ग या ओल्ड बीटल्स सॉन्ग यहाँ पे हम इस बैंड की बात करें एक म्यूजिकल बैंड की शी ऑलवेज टाइज हर हेयर बैक इन अ बैंड अब यहाँ पे क्या बोल रही है वो हमेशा अपने बाल पीछे की तरफ बांध लेती है बैक इन अ बैंड ओके मेनी इंसेक्ट्स आर बैंडेड ब्लैक एंड येलो अब यहाँ पे बैंडेड का मतलब होता है कि उनमें किस तरीके से ब्लैक और येलो कलर्स होते हैं उनमें सो so, बैंडस होते हैं जैसे कि रेनबो है तो अगर आपका ये रेनबो है सो so, रेनबो में पूरे सेवन बैंड्स हैं आपके पास इसको भी आप बैंड्स कहोगे ठीक है सो रेनबो में क्या है पूरे सेवन बैंड्स हैं ओके आर बी क्लियर विद दिस चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बैंक तो बैंक मतलब क्या हो गया एक तो हो गया जीवर का बैंक एक हो गया आपका नॉर्मल बैंक इंस्टीट्यूशन जहां पे जाके आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो लोन लेते हो सो आई वर्क फॉर अ बैंक सो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई वर्क फॉर लेट्स से आरबीआई बैंक और एसबीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक

नेक्स्ट हमारे पास है बैट अब बैट का क्या हो गया अफ्रेड ऑफ बैट मुझे चमकादड़ से बहुत डर लगता है एक बैट का मतलब यहाँ पे क्या है चमकादड़ और इट्स मेजर लीग्स मतलब वो पहली बार जो है बैटिंग कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट मैचेस में बैटिंग कर रहा है तो एट बैट या ही हैज बैट आई अ बॉल लेट्स प्ले क्रिकेट ठीक है नेक्स्ट इज बॉल अब यहाँ पे बो का मतलब क्या होता है अब बो के आपका पहला मतलब हो गया टू बो मतलब झुकना रेस्पेक्टफुली तो ये हो जाएगा दिस इज डन फॉर्मल बो टू द किंग कोई किंग आए हैं कोई क्वीन आए हैं कोई बड़े आदमी आए हैं तो हम क्या कहते हैं वी बो एंड नेक्स्ट शी हैड अ रेड बो हर हेयर तो एक और जो बो होता है वो क्या होता है इस तरीके का आपका बो होता है तो शी अ रेड बो इन्ह

तो कैन मतलब वहां पे क्या होता है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कैन वी और इसमें हम एक काम करते लिख देते हैं कोका कोला सो यहाँ पे हम इस कैन की बात कर रहे हैं सो वी ड्रैंक अ कैन ऑफ कोक ईच मतलब हम सबने एक एक ड्रैंक हमने सबने एक एक कैन जो है वो कोक पी लिया एंड नेक्स्ट वन इज कैपिटल अब यहां पे एक होता है कैपिटल जैसे कि मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है या इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है कैपिटल मतलब राजधानी और दूसरा कैपिटल मतलब होता है पैसा तो यहाँ पे देख लो कैरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट ठीक है कैपिटल ऑफ इजिप्ट यू शुड राइट योर नेम लेटर्स दूसरा मतलब यहाँ क्या है तुम्हें अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए मतलब यहाँ पे जैसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए कैपिटल मतलब ये हो गया अब एक और होता है कैपिटल का मतलब जो पैसे की मैं बात कर रही हूँ यू शुड टेक केयर ऑफ द कैपिटल यू हैव इसका मतलब तुम्हारे पास जितना पैसा है तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए क्लियर सो so, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट वी आर गोइंग टू डील विद दो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप लोग गलतियां कर देते हो और अगर आप चाहते हो आपकी गलतियां नहीं हो सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ओके आई एम गोइंग टू सी यू सून टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय